उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा का वादा सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह गया है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हर राज्य में हर सरकार यही वादा होता है कि सत्ता में आने के बाद सबसे पहले महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन हर दिन हो रहे बलात्कार, छेड़छाड़ और एसिड अटैक की वारदातें उन सभी वादों को एक चुनावी जुमले में बदल देती है, क्योंकि कोई भी सरकार आज तक महिलाओं को हफ्सी और खूनी बेड़ियों से सुरक्षित रख ही नहीं पाई है। कोशिश सब करते हैं, सख्ती सब करते हैं, पर उनका फायदा क्या होता है यह आप महिला अपराध के आंकड़ों में साफ तौर पर देख सकते हैं। इस बीच एक और महिला के साथ हैवानियत की खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गांव मंझार से सामने आई है, जहां एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवतियों के परिजनों का आरोप है कि गांव के ही दो युवकों ने किशोरी के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ रेप तथा हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर एक आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं एसएसपी ने भी गांव में पहुंचकर घटना की जानकारी ली। आइए अब आपको मामले की पूरी जानकारी देते हैं। सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव मंझार में रविवार की देर रात एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही दो युवकों ने युवती के साथ पहले उसके घर में जाकर बलात्कार किया, फिर जहरीला पदार्थ देकर वहां से फरार हो गए। किशोरी की आवाज सुनकर परिजन जाग गए। किशोरी को अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना सामने आने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं सूचना मिलते ही थाना चिलकाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान गांव वालों ने आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग करने लगे, जिसके बाद मौके पर मौजूद सीओ सदर अजेंद्र सिंह ने आरोपियों की शीघ्र अति शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चनप्पा ने भी गांव में पहुंचकर परिजनों से मामले की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा मृतकों को परिजनों को आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि बाद में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया और दूसरे आरोपी की तलाश अभी जारी है। एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि थाना चिलकाना के गांव मंझार में सूचना मिली थी कि एक लड़की ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर तुरंत पुलिस गांव में पहुंची और परिजनों ने गांव के ही दो व्यक्तियों के नाम तहरीर दी कि इन्होंने ही युवती के साथ गलत काम किया और कुछ खिलाकर उसके मार डाला और फिर वहां से फरार हो गए। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार के उन तमाम वादों को झूठा साबित कर दिया है जो महिला हित के लिए किए गए थे। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।